Assalamu alaikum dear students. I hope that you all are doing well at your homes. Take out your Oxford Progressive English books. Page number 6. आपका यूनिट नंबर 1 लेसन नंबर 4 है सेंटेंसेस एंड टुडे वी विल बी स्टार्टिंग योर लेसन नंबर 4 सेंटेंसेस. ओके सो इन सेंटेंसेस में जो नीचे हम सेंटेंसेस बनाएंगे इसमें एक टेंस यूज हुई है विच इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. इन वर्ड्स को इस एक्सरसाइज में अगर आप देखें, फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको अपने बुक पेज नंबर 6 पर देखें, आपको पिक्चर्स दी गई हैं. ऑलराइट, इन पिक्चर्स को देख के आपने इनसे सेंटेंसेस बनानी है. इन सेंटेंसेस को बनाने के लिए आपको एक टेंस विच इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस उसकी ज़रूरत है. सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्चुअली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. आपको मैं थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, इसके बाद हम इन वर्ड्स से सेंटेंसेस, इन एक्शन से होल सेंटेंस बनाएंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, सिंगुलर, सिंगुलर का मतलब होता है जो वन पर्सन के लिए, जो रूल वन पर्सन के लिए यूज होता है वो रूल इसके सामने है. आपके पास टू रूल्स हैं टोटल. नंबर वन रूल इज आपने हैज के साथ बीन लगाना है. विद हेल्पिंग वर्ब हैज यू हैव टू पुट बीन. ऑलराइट, ये आपके पास है रूल नंबर 1. सेंटेंस में आपने हैज बीन यूज करना है. अब रूल नंबर 2 है, आपके पास हैज के साथ आपने जो उस सेंटेंस में एक्शन है वो लिखना है और उस एक्शन के साथ आपने लिखना है ing. ये आपके पास हुआ रूल नंबर 2 फॉर सिंगुलर. नाउ प्लूरल में आ जाते हैं. प्लूरल आपके पास वो होता है जो मोर देन वन पर्सन होता है, विच इज मोर देन वन पर्सन आपके पास प्लूरल होगा. इसमें अब क्या रूल है? रूल नंबर 1 इज आपने यूज करना है हैव बीन. सिंगुलर में देखिए आपने हैज बीन यूज किया था, प्लूरल में आपने यूज करना है हैव बीन. ऑलराइट, अब रूल नंबर 2 है, आपने हैव के साथ एक्शन कर लिखना है और उसी एक्शन के साथ आपने ing लिखना है. ये आपके पास हुआ रूल नंबर 2. ऑलराइट, इन्हीं रूल को आप लोगों ने याद करना है और इन्हीं रूल्स के मदद से आपने इस वर्ड से सेंटेंसेस बनाने हैं. ओके, नाउ पेज नंबर 6 पे आ जाएं आप. फर्स्ट वन जो पिक्चर है आपके पास ये है सेल. सेल मतलब ये होता है कि आप बोर्ड पे बैठ के, बोर्ड में बैठ के आप सैर करने जाओ, उसको आप सेलिंग बोलेंगे. तो इसको जब हम सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे तो इसका सेंटेंस क्या बनेगा? ही हैज गॉन सेलिंग. ऑलराइट, ही हैज गॉन सेलिंग में आप अगर देखें तो आपके पास सिंगुलर, सिंगुलर है मतलब ही इज सिंगुलर, मतलब एक पर्सन की बात हो रही है. तो इसकी बात हो रही है कि ही हैज गॉन सेलिंग. इसमें आपके पास रूल नंबर 2 जो कि सिंगुलर में रूल नंबर 2 है वो यूज हुआ है, जिसमें क्या है? हैज के साथ एक्शन है और एक्शन के साथ आईएनजी है. सेल आपके पास एक्शन हुआ, एक्शन के साथ आपने आईएनजी पुट करना है. ऑलराइट, नाउ सेकंड वन इज आप वर्ड देखें जो है बाय फ्रूट. इसका सेंटेंस क्या होगा? शी हैज बीन बाइंग फ्रूट. ओके, शी हैज बीन बाइंग फ्रूट. इसमें अगर आप देखें सिंगुलर में आपके पास रूल नंबर 1 यूज हुआ हुआ है. ऑलराइट, सिंगुलर में आपके पास रूल नंबर 1 यूज हुआ है, इसलिए इसके साथ हैज बीन आया हुआ है, उसके बाद एक्शन है. अब आपको समझ आ गई होगी. इसी तरह सेंटेंसेस मैंने आपको सारे बोर्ड पे लिख दिए हैं. थर्ड वन सेंटेंस है शॉप. वर्ड है शॉप. इसका सेंटेंस कैसे बनेगा? शी हैज गॉन शॉपिंग. ऑलराइट, आईएनजी भी लग गया एंड आपके पास रूल भी अप्लाई हो गया जो सेकंड वन रूल था. अब है आपके पास नंबर 4th, ही हैज बीन ईटिंग एन आइसक्रीम. इसमें भी सिंगुलर की बात हुई, इसमें भी हैज बीन यूज हुआ. अब है डाइव, शी हैज गॉन डाइविंग. ओके, नाउ 6th वन इज डैड हैज बीन पेंटिंग द डोर. इसमें भी सिंगुलर की देखें आप, ऊपर से हैज यूज हो रहा है. ऑलराइट, क्योंकि इसमें सिंगुलर पर्सन की बात हो रही है. नंबर 6 इज मेक पॉपकॉर्न. वर्ड, इसका सेंटेंस कैसे बनेगा? डैड हैज बीन सॉरी द गर्ल्स हैव बीन मेकिंग पॉपकॉर्न. नाउ 8th वन इज दे हैव गॉन फ्लाइंग. अगर आप देखें 7th और 8th सेंटेंस में आपके पास हैव यूज हुआ है. क्यों आपके पास हैव क्यों यूज हुआ है? क्योंकि आपके पास द गर्ल्स की बात हो रही है, मतलब आपके पास प्लूरल की बात हो रही है, इसलिए आपके पास हैव बीन यूज हुआ है. और 8th वन में आपके पास हैव गॉन फ्लाइंग है, इसका मतलब यहाँ रूल नंबर 1 अप्लाई हुआ है.
नंबर नाइन्थ है आपके पास द बॉयज हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल, इसमें भी हैव बीन आ गया क्योंकि ये भी आपके पास प्लूरल है. नाउ द गर्ल्स हैव गॉन राइडिंग, यहाँ भी गर्ल्स की बात हुई है तो आपके पास हैव आएगा और आपके पास रूल नंबर टू अप्लाई होगा. नंबर इलेवेंथ इज दे हैव गॉन बलूनिंग. नंबर ट्वेल्थ इज द बॉयज हैव बीन प्लेइंग हॉकी. ऑल राइट, जो फर्स्ट सिक्स आपके पास हैं उसमें आपके पास हैज बीन यूज हुआ है या हैज के बाद एक्शन के साथ आई एन जी यूज हुआ है, और जो नेक्स्ट ट्वेल्थ हैं उसमें आपके पास हैव बीन यूज हुआ है या हैव के साथ एक्शंस के साथ आपके पास आई एन जी यूज हुआ है. ऑल राइट, इसी तरह आपने वर्ड से सेंटेंसेस बनानी है, कौन से टेंस की मदद से, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की वजह से की मदद से. आपने फर्स्ट और सेकेंड जो रूल्स हैं वो आपने याद कर लेने हैं और खुद ही वर्ड से सेंटेंसेस सॉल्व करने की कोशिश करनी है. आई होप आपको समझ आ गई होगी.